अस्सलाम वालेकुम सजनों तो बेलियो मखनों तो मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की न्यूज़ की बात करते हैं जो कि रजा समो की तरफ से है। तो रजा समो का एक फ़ैन जो कि उनसे पूछने लग पड़ा, उनकी जो कि एक मूवी आने वाली है जॉन, तो उसमें पूछ रहे थे कि आपका मतलब है जॉन मूवी में आपका क्या करेक्टर है। तो उसको रिप्लाई करते हुए रजा समो कुछ ये कह रहे थे। फिर इस करेक्टर ने, ये जो अभी आपने ट्रेलर देखा है, इसने मुझे बहुत सिखाया है और बहुत सबक भी सिखाया है। बहुत मुश्किल था ये सब करना, बहुत मेहनत लगी है, पूरी जान लगी है। एक फेस चला है, आपको मैं नहीं बता सकता, तब बताऊंगा जब ये रिलीज होगी। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा तो इस ट्रेलर को शेयर करना है भाई। हमारे पास करोड़ों रुपया सिर्फ इसकी प्रमोशन पे हमने नहीं लगाया। जो है वादा हमने ये किया था कि हमारी आवाम है वो बहुत प्यार देती है, वो इसको पहुंचा देगी हर जगह। तो शेयर करो भाई, तभी ये बढ़ेगा, सबको पता लगेगा और लोग आएंगे देखेंगे कि अच्छा काम क्या हो रहा है। और अभी तक आप लोगों ने रजा समो की मूवी का ट्रेलर अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो जाकर देखें और प्यार जरूर देना। तो चलिए अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो कि माज सफदर की तरफ से है। माज सफदर का छोटा भाई जो कि कह रहे थे कि माज सफदर के अपने छोटे भाई का भी एक गेमिंग चैनल मतलब की ओपन करने वाले हैं, तो खुद ही देख लें व्लॉग में क्या कह रहे थे माज सफदर। देखो वो कब मुझे बताता है कि भाई मेरा चैनल बनाओ और मुझे भी अब करना है यूट्यूब, सो उसका वेट करेंगे। सो या अब वो जब बोलेगा जब ही। तो चलिए भी अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो कि IBA यूनिवर्सिटी की कुछ वीडियोस वगैरह लीक हुई सोशल मीडिया पर, तो इस पर रिएक्ट करते हुए वकार का मतलब क्या अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये कह रहे थे। कह रहे हैं IBA में रेव हो रही है, फहाश पार्टी हो रही है और अब होने लग गई है। भाई आप तो बहुत ही सोतू राम है। आइजैक, ये आइजैक का कभी पता है आप लोगों को? मैंने तो जब जब अटेंड की थी शुरू में, दोस्तें होती थी कहती चलो, मैंने चलो वहां जाते थे तो मैं कहता था वाह भाई इतनी खतरनाक क्लब नाइट। मतलब ये सोच रहे लम्स IBA और इनमें, भाई करने दो उन्हें पार्टी, क्या हो गया आपको, क्या चाहते क्या हो? आपके रोकने से कोई रुक जाएगा? वो यहाँ नहीं करेंगे, अपार्टमेंट में कर लेंगे, अपार्टमेंट में तो किसी घर पे कर लेंगे। पता नहीं इनको ये क्यों लगता है कि ये पार्टीज और ये वाले। देखो भाई दुबई का निजाम ठीक है, जिसने मस्जिद जाना है मस्जिद जाए, जिसने पार्टी में जाना है जाए, अल्लाह ताला सजा देगा। ये समझ रहे कि नहीं अब माशरा खराब हो रहा है? ओ भाई शुरू से ही ऐसा। तो चलिए भी अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो कि वो भी रजा समो की तरफ से है। तो रजा समो एक मूवी तो आ ही रही है जो कि अब वेब सीरीज भी उनकी आ रही है जिसका नाम है वजारी। तो उनका टीजर जो कि उनके चैनल पर आ चुका है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। रजा समो मतलब इसको एक्सप्लेन करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये कह रहे थे, आप खुद ही देख लें। समा सुन के फ्लावर समझे क्या, ये साल आपके भाई का है, फायर है मैं फायर स्पीक इन तेलुगु मूवीज या वलागाता टेल यू समथिंग ब्रो, वलागाता टेल यू समथिंग। वो ये है कि ब्रो ऑसमो सीरीज, ऑसमो अवजार टाइटल है, ऑसमो अवजार ये एक वेब सीरीज है जो आने वाली है। दिस वेब सीरीज इज कमिंग रियली सून जस्ट लाइक आई डू इन बेड। और इसमें ये है कि भाई हर स्टोरी, हर एपिसोड अलग स्टोरी है। ऐसा नहीं है एक मेजर स्टोरी लाइन चल रही है और एंड में गुंडे को मार दिया तो भाई खत्म, नहीं नहीं, हर एपिसोड अलग कहानी है। जैसे नहीं हम फ्रेंड्स देखा करते थे, बिग बैंग थ्योरी देखा करते, सिटकॉम टाइप वाइब है। सैंडविच पड़ा है भाई, खा लिया, एपिसोड लगा दिया, समो का वो भी खत्म हो गया, सैंडविच भी खत्म हो गया। छोटी सी कहानी, मुख्तसर सी कहानी और मजेदार सी कहानी, इस तरह की वेब सीरीज है आपके जो है मैं फेंकता जाऊंगा आपके मुंह पे, पेश करूंगा यार सॉरी पेश करता जाऊंगा, मजा आएगा। अभी एक जो है ना अभी आने वाली इंशाल्लाह टीजर, आप पहले आपको हम पेश करते, मजा आएगा। देखो यार मैं समझाता हूँ, मैं हूँ रजा समो, और समो एक अलग बंदा है, इससे करेक्टर। मैं आम जिंदगी में इस तरह थोड़ी बात कर रहा होता हूँ यार, इतना हाइपर थोड़ी होता हूँ मैं, हर चीज पे जो है फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता मैं, ठीक है। सेक्चुअली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड, बट दैट्स अनदर अदर स्टोरी, ठीक है। तो हर दफा इस तरह नहीं होता, वो एक अलग कैरेक्टर है, समझ रहे। अब उसको आपने बहुत जगह बात करते सुना है, कभी इस टॉपिक पे, कभी इस टॉपिक पे, कभी इस पे उस पे, लेकिन कभी आपने उसको असल अपनी निजी जिंदगी में नहीं देखा कि वो डेट मार रहे हैं, डेट मार रहे हैं, तब वो क्या उसके तासुरात हैं, तब वो क्या, कभी जब पुलिस ने पकड़ लिया मिसाल की बात गाड़ी में, तब क्या हो रहा है, सर उसकी निजी जिंदगी जाएंगे अब हम। तो चलिए भी अब देखते हैं रजा समो की ये वेब सीरीज कब आती है। तो चलिए भी अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा तो जोर से दबा दे और वीडियो को लाइक भी कर दो अगर ऐसा कंटेंट देखना आप लोग पसंद करते हो। तो चलिए भी अगली न्यूज की बात करते हैं जो की बाबा ओपी की तरफ से है। तो बाबा ओपी मतलब के एक कॉम्पिटिटर मतलब के टूर्नामेंट खेल रहे थे, जब मतलब के एक हैकर आ गया तो वो फिर बाबा ओपी मतलब के रोने लग पड़े थे। पुरानी वीडियो पर रिएक्ट करते हुए बाबा ओपी कुछ ये कह रहे थे, आप खुद ही देख ले, अगर आप लोगों ने उनकी लाइव स्ट्रीम में देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बाबे स्ट्रीम पे रोया कैसे थे? ओए यार उस टाइम मैं बच्चा था यार, सीरियसली मैं बच्चा था। मैं पता है क्यों रोया था, क्योंकि ना
एक मुझे एक था, मैं बच्चा था, सीरियसली माइंडसेट मेरा बच्चों जैसा। मुझे फैमिली ने ये कहना, आठ आठ नौ मतलब कहते थे तू भाई सारी दिहाड़ी ये गेम में बड़ा रहता है। तो मुझे बस यही था कि यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, बैंड फिर ये हैकर्स आके गन मरा देते हैं, ठीक है। तो बस उस टाइम तुम्हारा भाई बह गया, रो गया, पता नहीं बस कैसे रो गया भाई, है आहो तो मैं रो गया, बह गया था। तो बस लेकिन जब का भाई ये यूट्यूब शुरू किया बैग, फिर पैसे वैसे आए थोड़े बहुत घर पे भी दिए, नाउ दे हैप्पी शैप्पी। बट स्टिल यू नो आफ्टर ऑल आई नो कि ये चीज़ें इन फ्यूचर में काम नहीं आती। मैंने ये देखा है, एक चीज़ नोटिस मैंने की है ऑनेस्टली पाकिस्तान में, बाकी रीजन्स की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में ना ये फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आता कंपेरेटिव ओवरऑल। सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ चौक से पार्ट। और ऊपर से मैं रहता भी बाहर हूँ, तो या बहुत से काम होते हैं फ्यूचर लाइफ में। तो चलिए वजह के लिए बस यही न्यूज़ थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और ऐसा कंटेंट देखना आप लोग पसंद भी करते हो क्योंकि आप लोगों को यूट्यूब कम्युनिटी से बाखबर भी रखता हूँ, तो जल्दी से नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना, कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। Wings up.